हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगुलर 9। ये हमारा 27 ट्यूटोरियल है एंगुलर का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप सीएसएस की क्लास को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी डायनेमिकली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव, जिसका नेम होगा एनजी क्लास। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टाइल देना पड़ेगा क्योंकि सीएसएस की क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं स्टाइल दे दूँगा टेम्पलेट यूआरएल के नीचे, और यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल्स कोलन स्क्वायर ब्रेसेस लगाएंगे, और मैं बैक टिक का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल लाइन में इस कोड को लिखने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर बैक टिक का यूज़ कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले लिखूँगा डॉट ऑनलाइन, ये हमारी क्लास का नेम होगा। इसके अंदर हम लोग करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि जो कलर होगा वो क्या होगा, आपका वाइट होगा, और यहाँ पर लगा लेंगे कॉमा, जिसकी वजह से हमारा एरर हट जाएगा। इसे सेव कर लूँगा मैं। अब मैंने क्या कर दिया है, एक सी एस एस क्लास बना दिया ऑनलाइन, जो क्या कर रही है, कलर क्या कर रही है, वाइट कर रही है। अब मुझे ये करना है, यहाँ पर जाऊँगा सर्वर कंपोनेंट डॉट एस टी एम एल में, और यहाँ पर जिस तरीके से हम डायरेक्टिव को यूज़ कर रहे थे प्रॉपर्टी बाइंडिंग की मदद से, और उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एन जी क्लास को भी यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग की मदद से। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको पहले नीचे ले आते हैं। मैं सबसे पहले लिखूँगा एन जी क्लास, सी कैपिटल होगा इसका, एन जी क्लास, और फिर इसको बाइंड कर दूंगा मैं स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। इसका मतलब ये है, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, एक की थी जिसकी एक वैल्यू थी। यहाँ पर भी ऐसी होगा, एक की होगी उसकी एक वैल्यू होगी, लेकिन इस केस में जो की होगी वो तो आपकी क्लास रहेगी जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उसके बाद कंडीशन बताएंगे आप, ये क्लास तभी चलेगी जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि कौन सी क्लास है, हमारी क्लास है ऑनलाइन वाली। और ये चीज़ देखिए, अगर आपकी क्लास में इस तरह से डैश हो, ऑनलाइन की या फिर ऑनलाइन कलर इस तरीके से, तो आप उसे सिंगल कोटेशंस के अंदर रखेंगे इस तरीके से। अगर आपका सिंपल है, जैसे हमारा यहाँ पर ऑनलाइन है, तो आप उसको किस में बिना सिंगल कोटेशन के रखेंगे। सबसे पहले तो सर्वर का स्टेटस चेक कराऊंगा, जो कि हमें एक बूलियन वैल्यू देगा। जो सर्वर का स्टेटस है, अगर वो इक्वल टू है ऑनलाइन के, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी चलनी चाहिए, और ये पूरा कोड हमारा डबल कोटेशंस के अंदर होगा। जैसे ऊपर वाला पूरा कोड हमारा डबल कोटेशन के अंदर है, तो ये भी हमारा डबल कोटेशंस के अंदर होगा। और यहाँ पर से इसको हटा देंगे और इसे सेव कर लेते हैं। अब हमने अपना आउटपुट को चेक करेंगे, उससे पहले मैं आपको समझा दूँ एनजी क्लास क्या है। एनजी क्लास एक डायरेक्टिव है जिसको हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर दो चीज़ें ये हमें देता है, पूछता है हमसे। सबसे पहले की पूछेगा, की में हम लोग देंगे क्लास, और वो कंडीशन कब चलेगी, ये कब चलेगा, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो इससे पहले वाले हम लोग क्या करते हैं, की थी उसकी एक वैल्यू थी, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक की है लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई हो रखी है। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक हमारा ये नहीं चलेगा। तो इसे सेव कर लूँगा मैं और अपने आउटपुट को चेक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, ऑफलाइन ये है, ये ऑनलाइन है, तो ये ग्रीन में और ये ऑफलाइन ब्लैक में आ रहा है, और ये पूरा वाइट में आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से आप लोग एनजी क्लास का यूज़ करके सीएसएस की क्लास को डायनेमिकली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लेलिस्ट को जरूर देखें फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रेमवर्क्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।